दोस्तों, प्यार का पहला नाम राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि इस समय दामिनी ने एडवोकेट से बोल दिया है कि आज यहाँ से राधा किसी भी तरीका से बचने ना पाए। हालांकि दोस्तों, इस समय मोहन ये प्रूव करने में लगा हुआ है कि जो फिंगर दिखाई जा रहे हैं वो किसी भी तरीका से तुलसी के नहीं हैं, या ये सब कुछ जो हो रहा है ये राधा से मैच नहीं करता, और राधा ने किसी भी तरीका से कोई खून किया ही नहीं है या खून में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो राधा को जेल में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि एक निर्दोष को सज़ा देनी ये सबसे बड़ा क्राइम होता है, और ये क्राइम कोई और नहीं बल्कि ये कोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि मोहन ने कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठा दी है, क्योंकि दोस्तों वाकई में राधा बिना कसूर के इस समय जेल में सज़ा काट रही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मोहन पूरी तरीका से कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार वो एडवोकेट दामिनी से ऐसे ऐसी चीज़ पूछ रही है कि किसी भी तरीका से लगातार कहानी में अलग ट्विस्ट देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों दामिनी झूठ बोलती है, लेकिन राधा को वहीं झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि राधा इतना ही झूठ बोलती है और राधा को इसी तरीका से फंसाने की दामिनी कोशिश कर रही है। लेकिन मोहन ने भी कसम खाई है कि वो किसी भी तरीका से यहाँ से राधा को छुड़ा कर ही ले जाएगा, क्योंकि दोस्तों राधा की इस परिवार को ज़रूरत है। और राधा ने पहले ही आखिरकार गुनगुन को बोल दिया था कि इस तरीका से हम अगला केस लड़ेंगे, और वाकई में दोस्तों आज केस में वही होती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि यहाँ से सीधी तरीका से अगर बात की जाए तो राधा का घर जाना बिल्कुल निश्चित हो चुका है दोस्तों, क्योंकि राधा एक अलग ही किरदार निभा रही है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए गाइस।